मोबाइल ठीक है आप बोलिए, ज्यादा को नहीं डर लग रहा है हमसे, लगा ले, नहीं लग रहा है मोबाइल, लग रहा है इतनी बदतमीज रखी है, इतनी बदतमीज कि अपना हवस मिटाने के लिए अपने पति को छोड़िए, चुप रहिए, अपना हवस मिटाने के लिए अपने पति को छोड़िए, तीन बच्चा को छोड़िए, बच्चा के देखभाल ठीक से करूँगी ना, जो तो मैं करती हूँ, जो गलती की अभी माफी मांग रही हूँ, गलती किए हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगो, समाज के लिए हाथ निकालो, माफी मांगो, हाथ निकाल के कहो कि हमसे जो गलती हुआ हम अपना माफी मांग रहे हैं, समाज के लिए लियो ना चाहे ना, हाँ माफी मांगो, नहीं मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पैर नहीं पकड़ सकती, ठीक है, हाँ ठीक है, गलती हुआ, हाँ गलती हुआ है, आप रखने के लिए तैयार हैं? जा रही हूँ, मैं बच्चा को देखूंगी, आप रखने के लिए तैयार हैं? ये सही से रहेगी तो रखने के लिए तैयार है, तो दिक्कत हो ऐसा फिर दोबारा घटना करेगी इस तरह का? हाँ एक बात और सुनिए, मौका दिए हैं नहीं? हाँ बस एक ही मौका दे रहे हैं, बोलिए ना, छोड़िए ना, मेरा बात सुनिए, मैं जा रही हूँ, आप लोग भेज रहे हैं, जा भी रही हूँ, ठीक है, अगर कोई तरह का इससे ज्यादा मेरे को दिक्कत किए, अगर कुछ भी किए तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, दोनों नहीं, इन दोनों करेंगे मैडम को कुछ, हाँ तो आप अपना एकदम ठीक है, हाँ सब चीज हम दे देंगे, आराम से जाओ, अपना बच्चा को देखो, एक मौका तुमको समझो भगवान दिया, हम भी पटना से यहाँ आए हुए अपने बच्चे छोड़ के ही, हम चाहते हैं कि फैमिली मिलाए और तुम लोग खुश रहो, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जियो, हाँ बस एक औरत का सबसे पहला नाम त्याग होता है, समझी, खूबसूरती त्याग कर बच्चा को जन्म देती है, तो उसी तरह से समझो कि हम अपना सब चीज त्याग करके अपने बच्चे के लिए पति के पास आई, कितना दिन पहले आई है? आप लोग चुप रहिएगा, एक सप्ताह पहले आई, एक सप्ताह लगभग पहले आई, अभी एक सात सप्ताह हुआ है, हाँ। एक सप्ताह हुआ, एक सप्ताह से रह रहे हैं, तारीख को आई, तारीख मेरे को याद नहीं, एक सप्ताह से रह रहे हैं, सुने एक सप्ताह यहाँ आई तो हम इन लोगों को खबर किए, जैसे पहली बार हम इन लोगों को खबर करके बुला करके जबरदस्ती मैंने इसको भेज दिए थे, कौन भेजा था जबरदस्ती? हम लोग भेजे, आप इसके ससुराल भेजे, हमको उससे मतलब नहीं है, लड़की आपके पास आई तो क्या आपने थाना में कंप्लेन दिए कि हाँ ये लड़की शादीशुदा है, आई है? पहली बार कंप्लेन हमने किए, हाँ। पहले बार इनके इसके परिवार सबको बुला करके, अरे हम आपसे पूछ रहे पंडित जी, उसके बाद मुखिया सरपंच के पास अथी करके हम इसको जबरदस्ती भेज दिए, हम वो बात आपसे नहीं, अब दोबारा ये आई, हम आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं, आपने भेज दिए वो सबसे हमको मतलब नहीं है, जैसे अगर कोई चोर आएगा मेरे घर में तो हम पहले थाना में कहेंगे ना कि भाई मेरे घर में चोर आया है, तो आपका खबर किए थाना में नहीं किए, मैं पहले इन लोगों को खबर किए भाई आ गई है, अब तुम लोग अपना जो मर्जी है सो करो, आओ ले जाओ, हाँ। उसके बाद ये लोग आए, वो हल्ला करके फिर थाना आए, थाना में लोग क्या किए नहीं किए, इससे क्या लिखवाया थाना हम नहीं जानते हैं, सब हम यहाँ थे, बेटा शादी किया है इनसे, बेटा शादी किया है इनसे, गलत मत बोलिए, मेरे चुप रहो, ठीक है, आप रखना चाहते हैं इसको अभी, आप इसको अभी रखना चाहते हैं? हम अभी भी रखे हुए हैं थाना के ऑर्डर से मैडम, थाना ऑर्डर दिया है यहाँ, हाँ थाना इसको फिर यहाँ से, आप लोग ऑर्डर दिए हैं, ये बोल रहे हैं पंडित जी के थाना ऑर्डर दिया है कि इसको रखने के लिए, आप लोग ऑर्डर दिए हैं, आप लोग ऑर्डर दिए हैं, जय बोलिए, थाना ऑर्डर दिया है, एक मिनट सुन लीजिए ना, थाना इसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है, हम इसको इन लोगों को उधर वापस किया और उसके बाद इसको थाना पहुँचाया है वहाँ तक, हाँ और हमको हमको बुरा है, ठंडा उंडा लग रहा नहीं, दोनों को मैडम, दोनों को पहुंचाए, दोनों को लाया, दोनों को पहुंचाए घर, हम तो बाद में आए, हम पहले में आए थे, ये कौन कौन थे गाड़ी में ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन थाने वाले ही पहुंचाए, इतना यही के थाना, हाँ ये लोग पूछिए ना, सब सामने है ना, बड़े बाबू भी थे और कौन कौन थे, मेरे को उतना पहचान नहीं रही, पहली बार देखी, लेकिन यही लोग पहुंचाए थे मेरे को, जब तुम गलत हो तो थाना वाला कैसे तुमको पहुंचा सकता है, बात कर लीजिए आप, यही लोग पहुंचाए ना, पूछ रहे थे थाना में कौन पहुंचाए थे, तनी बताओ, इससे एप्लीकेशन लिखवाए, उसके बाद इन लोगों को वापस किए, हाँ एप्लीकेशन भी लिखवाए, वो बड़े बाबू लिए हैं एप्लीकेशन, वही लिखे हैं पूरा एड्रेस के साथ, मोबाइल का है ना, तो थोड़ा बड़ा बाबू से हम बात करना चाहते हैं कि ये आल निकल काम ही कैसे ही लड़की को घर पहुंचा दिए हैं, हां पहुंचाए हैं, पूछ लीजिए लाइक में, चुप रहो, इन्हीं को पूछ लाइक थे इसलिए फिर पहुंचा दिए, वहां जो आप लोग गए थे क्या फैसला हुआ था, कहाँ गए, वहाँ यही कहे कि जब तक हम अगला कोई अति नहीं करेंगे तब तक आप इसको कहीं इधर उधर होने नहीं दीजिएगा, अच्छा उस कारण से रखवाए, इस कारण ना बोले पंडित जी, तू झूठ मूठ के थाना के फंसाते हूँ, लड़की का जिम्मेदारी बोले होंगे कि जब तक ये नहीं है इसकी जिम्मेदारी आप पकड़िए, इसके कारण बड़ा बाबू बोले होंगे, तो फिर आप कैसे पहुँचाए, तो वही ना गलत, हम थोड़े थाना कह रहे हैं, मतलब एक पति के होते हुए दूसरा पति को आप बना लिए ना, शादी कर लीजिए ना,
है यहाँ पे, शादी का बात नहीं, वो तो हम डिवोर्स 3 साल से मांग रहे हैं। तीन साल मैं वहाँ से निकल गई, मैं वहाँ से ये बोल के निकली, ये बोली जो मैं खुद कमाऊंगी खुद रखूंगी, तीनों बच्चा को भी रखने के लिए तैयारी, लेकिन आपका पैसा से नहीं चाहिए। मतलब तुम बिना डिवोर्स दिए शादी नहीं कर सकती हो? नहीं कर रही हूँ शादी। कर दे रहे हैं, तैयार आप हैं रखने के लिए? क्योंकि यह गलत की है। गलत गलत का साथ हम कैसे रहेंगे? हाँ, आप नहीं रखिएगा, आपका नाम नहीं लगा फटेगा। लड़की अभी तुरंत नवीन को लेकर जाएंगे जेल। आप रखिएगा कि नहीं बोलिए? रखिएगा कि नहीं? गलत के साथ नहीं है, बेचारे बोल रहे हैं। यानी कि आप लोग इनका नाम नहीं देना। आप लोग लड़की को नहीं बोल रहे, मीडिया के सामने पूछ ले रहे, नहीं रखेंगे आप लोग मेरे को? नहीं, जब ये लोग डिस्कस जो करेंगे हम उसको मानेंगे, उसको मानेंगे, नहीं रखेंगे। ये लड़की अभी जेल जाएगी, ठीक है, चलिए ले। क्योंकि देखिए ये गलत काम की, पहला पति बेचारा बैठा हुआ है, बोल रहा था मोबाइल, ठीक है, आप काट के बिक देंगे, यहाँ बिक दीजिए, बिक दीजिए। तुमको नहीं डर लग रहा हमसे? लगा नहीं लग रहा है, मोबाइल लग रहा है। इतनी बदतमीज लड़की है, इतनी बदतमीज कि अपना हवस मिटाने के लिए अपने पति को छोड़िए। चुप रही, अपना हवस मिटाने के लिए अपने पति को छोड़िए, तीन बच्चा को छोड़िए, और बिना डिवोर्स दे ले कोर्ट मैरिज कर ली। और जबकि लड़का जमशेदपुर से आया, इतनी गंदी औरत को भी रखने के लिए तैयार, अभी भी ले जाने के लिए आए हैं जमशेदपुर से। चलिए आप, तुम पढ़ने नहीं दिया, कवर क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई शादी, क्यों हुआ तुम्हारे कारण? इसके बाद तुम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ से गई थी? हाँ गई थी, गई थी कॉम्प्रोमाइज करके। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लेके गया, चलो ठीक है, रहने के लिए भी तैयार थी, भाग के चला। क्यों क्यों आई? मारपीट नौटंकीवा तो कर रही है ना, नौटंकीवा एक सेकंड नौटंकी नहीं कर रहे हैं। दम मोबाइल का चल बोल, तुम दिक्कत नहीं हो, दम चुप रहो तुम, देखते हैं आज दोनों का मिलान हुआ है फिर से, बहुत दिन से बिछड़ा हुआ था परिवार, तो क्या क्या मामला था और क्या क्या जाने के लिए तैयार हैं आप? कस के बोलिए। हाँ, कोई दिक्कत आपको? बढ़िया से बोलो। नहीं नहीं रहिए, अच्छा से रहिएगा ना। हाँ जा रही हूँ, एकदम ठीक से बोलो। जा रही हूँ। हाँ। जा रहे हैं क्या आप रखने के लिए? बच्चा के देखभाल ठीक से करूँगी ना। हाँ, हाँ, जो वो तो मैं करती। हाँ, जो गलती की अभी माफी मांग रही हूँ कि हम गलती किए हैं। हाथ जोड़ के माफी मांगो, हाँ। समाज के लिए हाथ निकालो, माफी मांगो, हाथ निकाल के कहो कि हमसे जो गलती हुआ हम अपना माफी मांग रहे हैं। मांगो, समाज के लिए भी होना चाहिए ना। हाँ, माफी मांगो। हाँ, नहीं मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पैर नहीं पकड़ सकती। ठीक है, ठीक है, गलती हुआ। हाँ गलती हुआ। आप रखने के लिए तैयार हैं? जा रही हूँ, मैं बच्चा को देखूंगी। आप रखने के लिए तैयार हैं? ये सही से रहेगी तो रखने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत ऐसा फिर दोबारा घटना करेगी इस तरह का? हाँ, एक बात और सुनिए। आप एक मौका दिए हैं ना? हाँ, बस एक ही मौका दे रहे हैं। मेरा बात सुनिए, मैं जा रही हूँ, आप लोग भेज रहे हैं, जा भी रही हूँ, ठीक है। अगर कोई तरह का इससे ज्यादा मेरे को दिक्कत किए, अगर कुछ भी किए, इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, दोनों नहीं, इन दोनों करेंगे मैडम को कुछ। हाँ, तो आप अपना एकदम ठीक है, सब चीज हम दे देंगे, आराम से जाओ, अपना बच्चा को देखो। एक मौका तुमको समझो भगवान दिया, हम भी पटना से यहाँ आए हुए अपने बच्चे छोड़ के ही, हम चाहते हैं कि फैमिली मिलाए और तुम लोग खुश रहो, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जियो। हाँ बस, एक औरत का सबसे पहला नाम त्याग होता है, समझी? खूबसूरती त्याग कर बच्चा को जन्म देती है, तो उसी तरह से समझो कि हम अपना सब चीज त्याग करके अपने बच्चे के लिए पति के पास जाए। आपकी ननद जा रही, मतलब ये आपकी भाभी लगी छोटी भाभी, गलती की है, आप उसको माफ की है? माफ करना ही पड़ेगा, मजबूरी बस, क्योंकि बच्चे का सवाल है। तो माफ किए ना? हाँ, अब अच्छा से आप लोग रखिएगा इनको, हम तो रहते ही नहीं है। बेला मौका मेरा जाए तो कम से कम इज्जत करे, मेरा जाते जाते भाग गई। नहीं वो करेंगे, मेरा रहते रहते भाग गई तो मेरा तो इज्जत नहीं हुआ, हुआ बताइए? नहीं ना, आज के बाद वो करेंगे। और आप इनकी बहन भी आई है, उनसे आप इनकी बहन है, क्या ये जो अभी निर्णय लिए उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ एकदम पूरा संतुष्ट हैं, जो अपना पति के बढ़िया से मानदान सम्मान करें। हाँ। और बाल बच्चा को ठीक से देखें, बस हमारा इतना ही सम्मान है बस। चलिए ठीक है, दोनों ठीक से रहिएगा, अच्छा से, ठीक है, ठीक है।